कोविड-19 से आज पूरा विश्व जंग लड़ रहा है और भारत में भी इसके हजारों मामले आ चुके हैं। इस बीच गवर्नमेंट भी अपना पूरा प्रयास कर रही है कि इस महामारी से कैसे लोगों को बचाएं, जिसके तहत दिल्ली गवर्नमेंट ने ऑनलाइन पोर्टल्स बनाए हुए हैं जहां से आप घर बैठे ही बड़ी आसानी से विभिन्न जरूरतों की चीज़ों के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि आप कैसे बड़े आसानी से ई पास के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ई पास उन लोगों के लिए ज़रूरी है जो कि इसेंशियल सर्विसेज से जुड़े हुए हैं, जैसे कि दुकानदार, केमिस्ट, ग्रोसरी और डिलीवरी वाले। तो सबसे पहले अपने ब्राउज़र में जाएं और वहां delhi.gov.in सर्च करें। इससे दिल्ली गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट खुलेगी, delhi.gov.in। वहां पे आपको एक लिंक दिखाई देगा, क्लिक हियर फॉर ई पास, अप्लाई फॉर ई पास। उसके बाद लैंग्वेज पूछेगा आपसे, लैंग्वेज सेलेक्ट करें, इंग्लिश या हिंदी। इसके बाद आपसे पूछ रहा है व्हाट डू यू नीड हेल्प विथ। इसमें आपको एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है, इसमें आपको ई पास फॉर ट्रैवल ड्यूरिंग कर्फ्यू, क्योंकि आपको सामान लेने जाना है तो ये वाला ऑप्शन सही है। इसके बाद सबमिट पर क्लिक करें। सबमिट करने के बाद आपके पास एक फॉर्म आएगा जिसमें आपको सारी डिटेल्स फिल करनी है, अपना नाम, एड्रेस, जहां आपको जाना है। उसके बाद आपको सिलेक्ट करना है टाइप ऑफ सर्विस कि आप किस सर्विस में काम कर रहे हो, आपको किस लिए, किस कैटेगरी में कर्फ्यू पास चाहिए, ई पास चाहिए। तो इसमें देख सकते हैं बहुत सारे ऑप्शन आपको मिल जाएंगे, आपको अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग सिलेक्ट करना है। अभी के लिए मैं इसमें फूड आइटम्स एंड ग्रॉसरी सिलेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि मेरी दुकान है तो मुझे इस तरह के आइटम्स मुझे मार्केट से लेने जाना पड़ेगा। उसके बाद आप कब से कब तक के लिए चाहिए, आपको इसमें डेट और टाइम दोनों बताना होगा, किस डेट से किस डेट तक के लिए चाहिए। उसमें डेट और टाइम दोनों फिल कर दें, स्टार्ट डेट, टिल डेट और टाइम भी फिल कर दें। उसके बाद आपको डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करना है, टाइम फिल करने के बाद साउथ दिल्ली लगता है मेरा। इसके बाद आपको मेनली टू डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, एक आधार कार्ड और एक आपका विजिटिंग कार्ड या शॉप बिजनेस कार्ड, कुछ भी। तो आधार कार्ड अपलोड कर दें, उसके बाद अपना विजिटिंग कार्ड या फिर दुकान का लाइसेंस है उसको अपलोड कर दें और उसके बाद सिंपली सबमिट कर दें। सारी डिटेल्स एक बार फिर से चेक कर लें और फिर सबमिट करें क्योंकि इसमें कोई एडिटिंग नहीं करी जा सकती। तो उसके बाद आपको एक ई पास रेफरेंस नंबर मिलेगा जिससे कि आप इसकी अपनी एप्लीकेशन को बाद में ट्रैक कर सकते हैं। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगी होगी। तो इसी तरह की और वीडियोस देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल गोप्रो इनोवेटिव्स को। धन्यवाद।